नमस्कार बच्चों, मेरा नाम कमलेश सक्सेना पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नारंगता। वीडियो क्लास 7th के लिए है। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, उप विषय है भूगोल, अध्याय है हमारा मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। तो बच्चों, मैंने आपको बस्तियों के विषय में पहले बताया था कि बस्तियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, स्थायी बस्ती, अस्थायी बस्ती, प्रवास क्या होता है, इसके विषय में हमने बात की थी। और आज जो हम करने वाले हैं परिवहन के विषय में, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, परिवहन होता क्या है? तो परिवहन लोगों के लिए और साधन का आवागमन का साधन होता है, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का। तो पहले समय की अगर बात करें तो पहले लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सैकड़ों मील पैदल चलते थे और सामान को ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो बैल है, ऊंट है, खच्चर है, इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। आज भी कई स्थानों पर यह देखा जाता है, लेकिन प्रौद्योगिकी के विकास की ओर से परिवहन के 4 साधन माने जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। अगर हम बात बच्चों सड़क मार्ग की करें तो सड़क मार्ग क्या है? तो जो सड़कों के द्वारा कच्ची सड़कें भी होती हैं, पक्की सड़कें भी होती हैं। तो कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जो मार्ग हैं, सड़क हैं। और मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है, मरुस्थली, वनों और ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। और अगर हम बात बच्चों हिमालय पर्वत पर मनाली जो लेह राजमार्ग है, विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। और हमारा अगर भारत में अनेक राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग हैं, जो कि भारत में एक्सप्रेस का निर्माण देखने को मिलता है हमें। और स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो महानगर को जोड़ता है, इसकी जो लंबाई है हमारी 5,846 है, इसकी किलोमीटर लंबा है ये स्वर्णिम चतुर्भुज। और अगर हम बात बच्चों रेल मार्ग की करें तो जो रेल मार्ग है हमारे लिए काफ़ी तरह से सहायता प्रदान करते हैं। रेल मार्गों के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन का भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। सुपरफास्ट जो रेलगाड़ियां हैं परिवहन की गति की ओर तीव्रता से देखने को मिलती हैं। मैदानी भागों में भी रेल मार्गों का व्यापक रूप से देखा जाता है। और टेक्नोलॉजी के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्गों का बनना संभव हो पाया है। चाइनिंग में लहासा के बीच जो चलने वाली रेलगाड़ी है वो समुद्र तल से 400 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5,072 मीटर है। और अगर हम बात करें विश्व के सबसे लंबे रेल मार्ग की तो वो है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा है, जो कि पश्चिमी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग जो है, तो यहाँ से प्रशांत महासागर पर स्थित जो व्लादिवोस्तोक आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ये कई स्थानों से होते हुए गुजरता है, सेंट पीटर्सबर्ग से मास्को उसकी राजधानी कजान है, ये के टीनियसबर्ग है, यूमिनियस है, उमस्क है, नोवोसिबियस है, कॉर्कमियर्स है, आर्गस है, चिता है, खबरोवास्क है और व्लादिवोस्तोक, ठीक है। ये इन क्षेत्रों से होते हुए जाता है और ये रूस की राजधानी मास्को को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्व शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इसकी शाखाएं मंगोलिया से गुजरती हुई चीन भी जाती हैं। और ये जो है हमारा 9,289 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, मतलब हमारे शुरू से लेके आखिर दूसरे छोर तक जाने के लिए, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए इसमें 8 दिन का समय लगता है। और इसे रूस के शाही जमाने में 1891 से 1916 के काल में बनाया गया था। साइबेरिया क्षेत्र में आर्थिक विकास में इस रेल मार्ग द्वारा काफी सहायता मिली है लोगों को और जनसंख्या के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। हजारों लोग क्या करते हैं, इसमें अपनी यात्राएं पूर्ण करते हैं और नए नए अनुभवों को महसूस करते हैं। तो ये जो हमने आज आपको बताया
सड़क मार्ग और रेल मार्ग। रेल मार्ग में विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, इतना आप दोनों को समझ में आया होगा सड़क मार्ग और रेल मार्ग के विषय में। और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।